सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन की, जो कि आता है 10,000 रुपीस के बजट के अंदर में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जो मुझे यार 10,000 रुपीस के बजट के अंदर में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन अभी तक लगा, यानी कि दोस्तों अक्टूबर 2020 में, उसका नाम है Realme Narzo 20A। जी हाँ दोस्तों, काफी बढ़िया ये फोन है, न्यूली यहाँ पे मार्केट में लॉन्च हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा इसके स्क्रीन के बारे में। तो दोस्तों 6.5 इंचेस का हमें यहाँ पे HD+ स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे कैमरा के बारे में, तो बैक साइड में हमें यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल, बाकी 2 मेगापिक्सल के हमें डेप्थ सेंसिंग कैमरा और वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो 8 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आता है ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर में। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे प्रोसेसर की, तो इसमें लगा हुआ है 2 GHz का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ इसके OS की, तो Realme UI है, Android 10 पे बेस्ड है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इस फोन के यहाँ पे मेन हाईलाइट के बारे में, तो वो होने वाली इस फोन की बैटरी। यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आती है 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे सिम टाइप की, तो 3 स्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, माइक्रो USB का यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ इस फोन के प्राइस के बारे में, तो 3GB रैम 32GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा आराम से फ्लिपकार्ट पे 8,499 रुपीज का, और 4GB रैम 64GB रोम वाला वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा 9,499 रुपीस का। So guys, मुझे ये फोन यार 10,000 रुपीस के बजट के अंदर में काफी बढ़िया फोन लगता है। अगर आपको यार 10,000 रुपीस के बजट के अंदर में कोई फोन चाहिए और आपको यार ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Realme Narzo 20A ले। काफी बढ़िया फोन है, काफी अच्छे फीचर्स के साथ में आता है, और इसमें रैम भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, साथ ही में स्टोरेज भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा भी यार आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। और बैटरी की तो मैं क्या ही कहूँ, 5000 mAh के हमें यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाती है। सो गाइस, ओवरऑल मुझे ये फोन यहाँ पे बेस्ट लगता है, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन मैं इसे कहूंगा अपनी इस लिस्ट में, जो कि आती है 10,000 बजट के अंदर में। सो गाइस, अगर आपको ये फोन परचेज करना है, तो आप आराम से यार फ्लिपकार्ट पे इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करें। बाकी मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज गुड बाय।